रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके चलते राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। इस पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश रावल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है। शिवसेना ये बता चुकी है कि उनकी पहली पसंद है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी पसंद है एमएस स्वामीनाथन। लेकिन शिवसेना का इतिहास देखें तो उसने पिछले दो राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया है। 2007 में जब नाम आया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, तो शिवसेना ने मराठी मानुष के नाम पर कांग्रेस को समर्थन दिया और भैरव सिंह शेखावत चुनाव हार गए। इसी तरीके से 2012 में जब नाम आया प्रणब मुखर्जी का, तो शिवसेना ने फिर से समर्थन किया कांग्रेस का और पीए संगमा चुनाव हार गए। ऐसे में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि वो मिड टर्म पोल्स के लिए तैयार हैं। दोनों के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास नजर आती है। तो कल ये देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या एक बार फिर शिवसेना अपना इतिहास दोहराएगी या फिर अमित शाह इसको मैनेज करने में सफल रहेंगे। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।